नमस्ते दोस्तों, अस्ट्रोरागो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम बता रहे हैं शिव जी का जब हुआ हनुमान जी से प्रलयकारी युद्ध और क्या हुआ परिणाम, ये आप लोग जान लीजिए। त्रेता युग में राम और रावण के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए तब उन्होंने एक यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, आयोजन कराया उसका यज्ञ का। यज्ञ करने के बाद अश्व को स्वतंत्र रूप विचरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जो ये अश्वमेध यज्ञ है इसको जब किया जाता था तो एक जो है घोड़ा छोड़ दिया जाता है, अगर उस घोड़े को कोई पकड़ ले तो समझ लो कि उसने उस राजा को चैलेंज कर दिया लड़ाई के लिए। तो जिसके पीछे जो है यज्ञ करता राजा की सेना रहती थी, और जब यह अश्व जो है दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसे जो है पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि वो घोड़ा जो होता था जा कर के फिर घूम के जो है आ जाता था। इस जो है अश्व को चुराने से रोकने से अगर कोई राजा रोक ले, कोई इसको चुरा के बांध ले तो जो है युद्ध होता था। यदि घोड़ा खो जाए तो दूसरे घोड़े से यह क्रिया जो है दोबारा शुरू की जाती थी। जैसे कोई घोड़ा चुरा ले और ऐसे पता ही ना लगे कि कहाँ चला गया, किसने ले लिया, दूसरा घोड़ा छोड़ा जाता है। जिस तरह एक बार लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ को लेकर के अश्व को रोक लिया था, श्री राम जी को चुनौती दी थी उन्होंने और तब हनुमान जी को युद्ध के लिए भेजा था, तब लवकुश के जो है जब वहाँ गए लवकुश के पास, हनुमान जी समझ गए कि ये कौन है, तो उन्होंने खुद ही लवकुश के हवाले कर दिया था, बंदी जो है खुद को बनवा लिया था। तो तब उसके बाद में लक्ष्मण आदि युद्ध करने के लिए गए थे और वो भी परास्त हो गए थे लवकुश से। तो अंत में श्री राम जी आए और जब सब प्रकार से यज्ञ का घोड़ा जो है देवपुर पहुंचा तो शिवभक्त जो है वीरमणि के पुत्र रुक्मागद ने श्री राम के घोड़े को रोक करके और उसे बंदी बना लिया। और अब जो है देवतापुर अयोध्या की सेना योद्धि को तो होना ही था। वीरमणि ने सुना कि श्री राम जी के अनुज छोटे भाई शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है, तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करके अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुआर को आदेश दिया। और फिर जो है शिवभक्त राजा वीरमणि अपने वीरमणि के भाई वीर सिंह के भांजे बनमित्र तथा राजकुमार रुक्मागद के युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गए। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ है और जिसमें हनुमान जी ने सभी को परास्त कर दिया, वीर बजरंग बली हैं। अंत में जो है वीरमणि को हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया और शिव भक्ति जो है वीरमणि को शिव जी ने ऐसा वरदान दिया कि जब भी संकट आएगा तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और भगवान जो अपने गणों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए तो गणों से कुछ जो है छिन्न भिन्न उन्होंने कर दिया। वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल को उसका सिर ही काट दिया था और शिव जी ने जो है शत्रुघ्न को घायल कर दिया। हनुमान जी ने दोनों को रथ में रखा, सुरक्षित किया और फिर जो है हनुमान जी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए गर्जना करके आगे बढ़ने लगे, शिव जी के सामने जा कर के खड़े हो गए। फिर दोनों हाथ जो आगे करके बहुत भयंकर प्रलयकारी युद्ध हुआ। हनुमान जी रुद्रावतार थे और तब उन्हें सभी देवी देवताओं ने वरदान दे रखा था कि कोई जब अस्त्र शस्त्र से तुम्हें जो है बांध ही नहीं सकते और ना ही तुम्हें पराजित कर सकता है। इसके कारण भगवान शंकर हनुमान जी में जब प्रलयकारी युद्ध हुआ तो दोनों ओर से हर तरह से दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग हुआ। हनुमान जी के पास शिव जी के हर जो है दिव्य अस्त्र जो उनका था उसका तोड़ था, उनके पास भी जो हथियार थे। तो युद्ध भयानक हुआ और बहुत भयानक होता जा रहा था। ऐसा देख करके भगवान राम वहाँ प्रकट हुए और श्री राम जी ने हनुमान जी को समझाया कि आप किसके साथ युद्ध कर रहे हैं,
शिव ही जो है राम है और राम ही शिव हैं। यह सुनकर के हनुमान जी को शिव में ही राम रूप नज़र आने लगा। यह देख कर के वो अपना युद्ध रोक करके भगवान शिव के और राम जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हनुमान जी के पराक्रम को देख करके भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को मनचाहा वरदान देने को कहा। तो इस प्रकार जब युद्ध का अंत हुआ, इस युद्ध में श्री राम जी और भगवान शंकर की यह लीला थी। और इसी युद्ध में भगवान शंकर हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने जो है परीक्षा पास किया अतुलित बल धामा। और इस प्रकार से जो है आप लोगों को आज हमने बताया कि शिव जी का जीव हनुमान जी से प्रलयकारी युद्ध हुआ तो क्या परिणाम हुआ। और आपने इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे, आपने देख ही लिया जान गए। इस प्रकार से जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रकार की कथा, किसी प्रकार के नग, किसी प्रकार का अगर आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारे को कमेंट बॉक्स में आप बताइए, तो हम जो है उसका आपको निदान उपाय बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।